जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। साथियों, प्रतिदिन की तरह जो आज की सीसीएस इन्वेस्टिंग न्यूज है वो मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, और साथ के साथ जो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनके भी आंसर करने वाला हूँ। आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है, काफी सारी अपडेट है तो वो मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। एक कोर्स का रिजल्ट भी डिक्लेयर हुआ है तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए साथियों, बिना किसी देर के करते हैं आज की वीडियो शुरू। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहूंगा, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि सीसीएस यूनिवर्सिटी जुड़ी कोई भी अपडेट होती है सबसे पहले मैं आप तक पहुंचाता हूं इस चैनल के माध्यम से। साथ ही सबसे पहले बात करते हैं जो आप लोग मेरे से कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसके बारे में। तो सबसे ज्यादा जो बच्चे परेशान है वो रिजल्ट को लेकर है। अब जैसे जैसे रिजल्ट आ रहा है वो मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ। कुछ बच्चे कहेंगे सर रिजल्ट वहां पर ओपन नहीं हो रहा है, यहाँ पर ओपन नहीं हो रहा है, तो अब ऐसा नहीं है, जो रिजल्ट डिक्लेयर हो रहा है वो आप रिजल्ट देख सकते हैं। जैसे आज हम बात करें तो एक कोर्स का रिजल्ट आज भी डिक्लेयर किया गया है, यानी कि आज दोपहर 12 बजे के बाद आप बीपीए थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट आप देख सकते हैं। बीपीए थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है, तो आप सीसीएस यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। अब इससे आगे बात करते हैं जो हमारा कोर्स बदलने की, जो हमारे एग्जाम हो रहे हैं, एलएलबी और बीएलएलबी और एलएलएम, तो उसके लिए जो आपके एग्जाम किस पैटर्न पे आपको देने हैं, ऑनलाइन देने हैं, ऑफलाइन देने हैं, तो उसके लिए आपको मोड चेंज करने की आज लास्ट डेट है, यानी कि आज आप चेंज कर सकते हैं। 2 दिन का मौका दिया गया था फिर से कि आपको यदि ऑनलाइन एग्जाम देना है तो आप ऑनलाइन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, फिर से अप्लाई आप कर सकते हैं यदि आपने पहले नहीं किया था, और आपकी यदि कॉन्टैक्ट डिटेल गलत है तो वो भी आप सही कर सकते हैं। कुछ बच्चों की प्रॉब्लम आ रही थी कि सर हमारी जो कॉन्टैक्ट डिटेल ओपन करने के लिए जो लिंक है वो ओपन नहीं हो पा रहा है, तो अब वो लिंक आपको प्रॉपरली चल रहा है। और यदि आपको वो लिंक भी आपको डायरेक्ट चाहिए तो वो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहां से आप उसको क्लिक कर सकते हैं, डायरेक्ट आप वहां पर जाकर अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल करेक्ट कर सकते हैं। इससे आगे बात करें, यदि आपको डीएलएड करना है तो डीएलएड के लिए नोटिफिकेशन जारी हो गया है। डीएलएड के लिए 20 तारीख से आप आवेदन कर सकते हैं, 20 तारीख से आपके आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे 20 जुलाई से, और 10 जुलाई तक आपके आवेदन चलने वाले हैं। उसके बाद में फिर इसके बाद में जो डाइट से मेरिट के बेस पे आपके इसमें एडमिशन कराए जाते हैं, तो यदि आपको डीएलएड करना है तो उसके लिए आप 20 जुलाई से अपने आवेदन कर सकते हैं। तो साथियों, ऑलमोस्ट मैंने सब सारी चीजें आपको क्लियर कर दी है। यदि अभी भी आपको कोई डाउट या क्वेश्चन रह गया है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जितने जल्द से जल्द होगा उसका आंसर या उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।